यह है इस रेल की वास्तविकता। देखिए महाराज, किस प्रकार ये धूर्त फिरंगी इस रेल को देश की प्रगति का नाम देकर हमारे निर्दोष लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर का निर्यात करना चाहते थे। इस लक्ष्मी बाई को ह्यूमन ट्रैफिकिंग की पालक लग ही गई। सैनिकों, शीघ्र इन सब की चिकित्सा करवाकर सुरक्षित इनके घर तक छोड़ने की व्यवस्था करवा दीजिए। I can't believe your excellency. क्वीन ने खुद ट्रेन को डिरेल कर दिया। ये हो क्या रहा है झांसी में? ये प्रोजेक्ट होल इंडिया को यूनिट करने वाला था, लाइक द वेन्स एंड आर्टेरियस इन दिस कंट्री, बट इट सीम्स दैट इंडियन जाहिली रहना चाहते हैं। ना तो इन्हें प्रोग्रेस चाहिए और ना ही झांसी की क्वीन को। सर, लगता है क्वीन की यही आदत है, हमारे हर काम में इंटरफियर करना और अपनी कंट्री की प्रोग्रेस को रोक देना। Isn't it strange that the queen is always at the wrong place at the wrong time? और क्वीन ने ऐसा किया क्यों? आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे फ्रेजर साहब। पहले आप हमें यह उत्तर दीजिए कि आप इन मजदूरों को अतबरी हालत में इस रेलवे कौन सी सैर कराने ले जा रहे थे? हम आपसे भी पूछ रहे हैं कैप्टन रॉस, ये मजदूर इस रेल में आए कहां से? आप तो मुख्य प्रभारी है ना इस रेल परिवहन के, तो आप तो भली भांति अवगत होंगे कि इस रेल डिब्बे में किसको लादा जाता है और किसको नहीं। Your Excellency, मैं भी आपकी तरह बहुत सरप्राइज्ड हूं। अभी कुछ देर पहले मैं आपके साथ पूरा बोगी को चेक किया था, तब तो खाली थी। मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे। अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो किसे पता होगा कैप्टन? एक काम नहीं संभालता तुमसे। ट्रेन में कौन जा रहा है, कौन उतर रहा है, इसका तुम्हें आइडिया ही नहीं? इतनी बारी लापरवाही। Now why are you silent? हम जानते हैं कि ये झांसी के महाराज का पद हमें आप अंग्रेजों ने ही दिया है, और ये भी सच है कि हम आपके दिए हुए वेतन के मोहताज, और उससे भी बड़ा सच यह है, हमारी प्रजा हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमें सूचित किए बिना हमारी प्रजा को इस दयनीय स्थिति में आप हमारी झांसी से कहीं और ले जाए। इसका उत्तर हमें आपसे चाहिए फ्रेजर साहब, वरना हम इस घटना की सूचना
इस रॉय साहब को करेंगे। और उन्हें ही क्यों, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लंदन भी जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कैप्टन रॉस, हमारी मित्रता को हमारी कमजोरी मत समझिएगा और ना ही मित्रता की आड़ में शत्रुता निभाने का प्रयास करें। ना ना ना, मैं इंक्वायरी बिठाऊंगा और आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। विद इन टू डेज यू विल हैव ऑल द आंसर यू वांट, बी रेस्ट अश्योर्ड। वही बेहतर होगा। सेट अप एन इंक्वायरी इमीडिएटली कैप्टन। चलिए रानी लक्ष्मीबाई। एक सच्चा हिंदुस्तानी तुम जैसे लाखों शैतानों पर भारी है, और जो हमें कम समझता है हम उनका अस्तित्व ही मिटा देते। कैप्टन रॉस, हमें लगता है कि आपकी आदत हो गई है कुछ ना कुछ ऐसा करने की जिससे सबके समक्ष हमें शर्मिंदा होना पड़े। पर महाराज, हमारी बात तो सुनिए। यही तो गलती है कि हमेशा हम आपकी बात सुन लेते हैं और उस पर भरोसा भी कर लेते हैं। महाराज, क्या आप हमसे क्रोधित हैं? हमें तो आप पर गर्व हो रहा है लक्ष्मीबाई, और आश्चर्य भी, क्योंकि आपने इतना बड़ा अनर्थ होने से रोक लिया और वो भी अपने बलबूते पर। आप सच में एक पहेली हैं रानी लक्ष्मीबाई, अद्भुत हैं आप, अद्भुत। अपनी रमा को एक वचन दे दीजिए। बताइए ना, क्या चाहिए आपको? दूसरा विवाह कर लीजिए, झांसी को उत्तराधिकारी आप ही देंगे। तो आपको नेवलकर खानदान को उत्तराधिकारी देने का माध्यम समझ रहे थे, पर उत्तराधिकारी तो आप स्वयं हैं लक्ष्मीबाई। आप ही इस नेवलकर खानदान का वर्तमान हैं और आप ही इसका भविष्य हैं। सच तो हमें भी नहीं पता है महाराज, क्योंकि हम ये सब सोच समझ कर नहीं करते। देश प्रेम का रोग जो लगाया है, हमारे हिंदुस्तान में हर औरत को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए हमारी संस्कृति पर टिप्पणी करने से पहले अपने देश में औरतों को बराबर का स्थान देना आरंभ कर दीजिए कैप्टन रॉस। हम अपने विचारों में इतना खो गए कि रानी लक्ष्मीबाई का धन्यवाद करना ही भूल गए। हे देवा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा ही क्रांतिकारी भारत है? पर ये कैसे संभव है? आज आपने अपनी जान पर खेलकर हमारी प्रजा की जान बचाई और हम उसके लिए आपके सदैव आभारी रहेंगे। अगर आप ना होती तो ना जाने वो अंग्रेज उन मासूमों का क्या सलूक करते।
रानी लक्ष्मीबाई अब कहां जा रही? हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी भारत की बेटी है। अनजान तो मनु भी है इस बात से गुस्से, पर एक बात तो माननी पड़ेगी भारत, आपकी बेटी आप ही की तरह जाबाज है, रगों में बहादुरी बसती है रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक ऐसा ही मसल तो बाबा की गर्दन पर है, इसका अर्थ है हमारे बाबा ही क्रांतिकारी भारत है। आक्रोश सबके दिलों में है। क्या जरूरत थी तुम्हें अंग्रेजों के झंडे को पतंग बनाकर उड़ाने की? हमने तो केवल उनके झंडे की पतंग बनाई, लेकिन क्रांतिकारी भारत ने तो उनकी रानी विक्टोरिया की प्रतिमा उड़ा दी। महारानी बनने के बाद तुम्हें वो सारे अधिकार मिलेंगे जिससे तुम हिंदुस्तान को आजादी की लौ से रोशन कर सकते हो। पर बाबा, उनकी आजादी का क्या, जिन्हें कल बिना किसी कसूर के फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? उनकी आजादी का तुम मुझ पर छोड़ दो। क्रांतिकारी भारत, आप सब हमारे रथ पर चढ़ जाइए। चल मार्तन, हमारे शेर। कल आप शिवा भाव के साथ भेष बदल कर क्यों थे? मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। महारानी साहब आप यहां? हे देवा, मन यहां और मैं सामने की तरफ कैसे मुड़ूं? महाराज, हमने हमारे परिवार के कुछ बड़े बुजुर्गों को दरबार में बुलाया। और आपको किसने अनुमति दी उन्हें यहां बुलाने की? अनुमति? महाराज, हमें तो लगा आप उन्हें अवश्य बुलाएंगे, तो आपकी तरफ से हमने उन्हें बुला दिया। आप स्वयं सोचिए बहनी से, क्या उन्हें इस प्रकार यहां बुलाना उचित है? इससे अधिक उचित समय नहीं हो सकता महाराज। आपने देखा ना किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई नेवलकर परिवार की मर्यादाओं को ताक पर रखकर उस रेल के पीछे भाग रही थी, वो भी अंग्रेजों और पूरी झांसी की प्रजा के समक्ष। महाराज, उन्हें ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है कि वो बिठूर की सीधी साधी साधारण सी मणिकर्णिका नहीं है, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई है। तभी तो उनकी उद्दंडता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है महाराज, और ऐसी परिस्थिति में ही तो बड़े बुजुर्गों की आवश्यकता होती है सही निर्णय लेने के लिए, उचित अनुचित का भेद बताने के लिए। बाबा ही है हमारे आदर्श, हमारे गुरु, हमारे महानायक क्रांतिकारी भारत। आप हमारे इतने पास थे पर हमने आपको पहचाना ही नहीं, बस ढूंढते ही रह गए। ये तो वही बात हो गई ना जैसे मर कस्तूरी के पीछे भागता रहता है और कस्तूरी नाभि में ही मौजूद रहती हो। बाबा, अब अपनी पहचान मत छुपाइए, क्योंकि आपकी बेटी मनु ने इस वीर पुरुष को पहचान लिया है।
अब समझ में आया, आपकी बेटी मनु को देशभक्ति का रोग विरासत में मिला है। ये देश प्रेम हमारे लहू में बह रहा है। आज का दिन हमारे लिए सबसे सुखद दिन है बाबा। आपने मुझे उस किंग और क्वीन के सामने इतना क्यों ह्यूमिलिएट किया, जबकि आप तो इस रेल रोड और बॉन्डेड लेबरर्स के बारे में सब कुछ जानते थे ना? और मैंने जो कुछ भी किया आपको कॉन्फिडेंस में लेकर किया, फिर भी आपने मेरी इंसल्ट की। तो हो या करता पेडेस्टल पे चढ़ कर तुम्हें ही नाम देता और कहता, थैंक्स फॉर स्क्रूइंग द होल प्लान कैप्टन। एक तो हम बॉन्डेड लेबर्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, दूसरा ये इंजन ब्लास्ट, वो भी सेकंड टाइम। और तुम हो कि मुझसे ही क्वेश्चन कर रहे हो पूरा प्लान फेल कैसे हुआ? है कोई answer tumhare paas? Remember that I, as a political member of Dudal Khan, I'm answerable to the viceroy. So, first time another problem is coming to me, you will not survive. Be ready to pack your bags and get back to your Manchester. Aap jante hain na baba, हमारा सपना था क्रांतिकारी भारत को मिलने का और उनसे प्रशिक्षण लेने का। उनकी वीरता और साहस भरी कथा सुनकर ऐसा प्रतीत होता था बस क्रांतिकारी भारत के एक इशारे पर अपने ये प्राण अछावर करते थे। पर हमें कभी अनुभूति ही नहीं हुई कि वो महानायक हमारे साथ है। बाबा याद है हम आपकी तुलना क्रांतिकारी भारत से किया करते थे, और हमने आपसे यह भी कहा था कि क्रांतिकारी भारत से साहसी और कोई हो ही नहीं सकता। पर फिर भी आपने भनक तक नहीं लगने दी कि जिस वीर पुरुष की बात हम दिन रात करते थे, जिस देशभक्त के पद चिन्ह पर हम जलना चाहते, वो और कोई नहीं, ये हमारे बाबा हैं। बाबा आपने इतने वर्षों तक हमसे ये बात छुपा के रखी, अब आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको हमें वचन देना होगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस क्रांति का परित्याग कर देंगे।